हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। और स्वागत है आपका हमारे चैनल जिसका नाम है एक्सपर्ट्स फॉर ऑल। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था जो कि बेस्ड था टेलर सीरीज के बेस पर। वो था कॉस एक्स प्लस पाई बाई फोर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा। ओके, मैं हमारी प्लेलिस्ट में है ही। आज हम एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसमें है, क्या है क्वेश्चन। एक्सपांड एक 10 सीरीज गिवन है, 10 पाई बाई फोर प्लस एक्स इन द पावर ऑफ एक्स। एक्स की पावर पर हमको चाहिए बाय यूजिंग द टेलर सीरीज। तो पहले तो इतना हमको फाइंड करना है। आफ्टर दैट व्हाट वी नीड टू फाइंड, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1044। 1044 की भी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सॉल्यूशन। क्या फाइंड करना है, जो हमको गिवन है एफ ऑफ एक्स वो क्या है, 10x, राइट। जहाँ पर हमारे पास h है वो है पाई बाई फोर, h पाई बाई फोर है। तो हम टेलर सीरीज का एक इक्वेशन लिखेंगे। क्या है इक्वेशन, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इन द पावर ऑफ एक्स चाहिए, राइट। तो क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एच प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल एफ डैश ऑफ एच प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ एच प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एक्स ट्रिपल डैश ऑफ एच एंड सो ऑन। यही है इन द पावर ऑफ एक्स। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। ओके, अभी हमको क्या फाइंड करना है। लेट सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा कोई इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, राइट। तो हमको क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ एच फाइंड करना है, एफ डैश ऑफ एच, एफ डबल डैश, और बाद में हम उसको यहाँ पर वैल्यू रख देंगे और विल गेट दी आंसर ऑफ 10 π/4 + x। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, 10x, राइट। तो एफ ऑफ एच होगा हमारा, होगा 10h, जहाँ पर 10h और जहाँ पर एच है हमारे पास, 10h है हमारे पास पाई बाई फोर। तो 10 π/4 की वैल्यू सबको पता होती है, 1 होती है, राइट। अभी एफ डैश ऑफ एच, तो 10 का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, सेक्स स्क्वायर होता है, राइट। तो सेक्स स्क्वायर एच, तो यहाँ पर भी हम वैल्यू रखेंगे 10 sec² π/4। सेक्स स्क्वायर पाई बाई फोर, सेक पाई बाई फोर, √2², तो √2² होता है 2 हमारा, राइट। एफ डबल डैश ऑफ एच, तो क्या होगा, एफ डैश ऑफ एच 2 sec x इंटू, ये तो हुआ sec² का 2 sec h। अभी sec का क्या होता है, sec h इंटू 10 h, यही होता है। तो क्या हुआ, 2 × sec² h इंटू 10 h, यही हुआ। अभी हम क्या करेंगे, h की जगह पर पाई बाई फोर रखेंगे, तो होगा 2 × sec² π/4 इंटू 10 π/4, राइट। अगर आपको डायरेक्ट लिखना है यू कैन राइट डायरेक्टली। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आता है। 2 × sec² π/4 यहाँ पर फाइंड किया, 2 आया और यहाँ पर 1, तो आंसर हुआ इसका 4। अगर आपको डायरेक्ट ये 4 यहाँ से डायरेक्ट आपको लिखना है यू कैन राइट इट एज। ओके, उसके कोई मार्क्स कट नहीं होंगे। और जो क्वेश्चन है वो हम कर रहे हैं GTU 2016 और 2013, समझ पेपर 2 बार आया है ये क्वेश्चन। ओके, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एच, ये हमारा एफ डबल डैश है। तो ये यहाँ पर हम यू इंटू वी वाला जो इक्वेशन है डेरिवेटिव का वो इस्तेमाल करेंगे। 2 as it is, पहले हम 10 का करते हैं, तो sec² h as it is इंटू 10 का होगा sec² h प्लस 10 as it is, sec² का हुआ, sec² h का जो हुआ वो क्या हुआ, ये रहा हमारे पास लिखा हुआ है, sec² का हुआ 2 sec h, sec h इंटू 10 h, यही हुआ। तो हम सॉल्व कर लेते हैं पहले इसको। 2 as it is यहाँ पर हुआ sec²² h प्लस यहाँ 2 as it is, ये हुआ sec²h 10²h, sec² h इंटू 10² h, यही हुआ। तो अभी हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे 2 × sec²h, sec²π/4 प्लस 2 sec² π/4 इंटू 10² π/4, यही हुआ। यहाँ तक आई आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
अभी क्या करेंगे, अभी वैल्यू में जो लिखा हुआ है वो लिखेंगे। क्या है तो लिखा हुआ है हमारे पास इज इक्वल टू टू एज इट इज, ये सेक रेस टू 4 π/4 का हुआ, जो 2 का 4 पावर, राइट, इन प्लस 2 × √2² × 1² यही हुआ। तो आंसर होगा 2 × √2 2 हुआ प्लस 2 × 2, तो ये हुआ 2 × 4 + 4, 8 × 2 = 16, राइट। तो हम यहाँ पर रखते हैं अभी जो सारी हमारे पास वैल्यू है, जो ये वैल्यू आई है हमारे पास, ये देन दिस वन, दिस ऑल वैल्यू वी आर गोइंग टू पुट इन द इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन नंबर वन में हम सारी वैल्यू पुट करते हैं। तो लिखते हैं पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर वन, वी गेट विल गेट व्हाट वी गेट एफ ऑफ, देखो यहाँ पर देखो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो हम लिखेंगे 10 π/4 + x, 10 π/4 + x इज इक्वल टू एफ ऑफ एच, एफ ऑफ एच क्या है हमारे पास, वन वन लिखेंगे, प्लस और क्या है एक्स, एक्स एज इट इज रहेगा हमारा, एक्स तो हमारा एज इट इज रहेगा, राइट। आई होप ये आपको दिख रहा होगा, एक्स एज इट इज, एफ डैश ऑफ एच, एफ डैश ऑफ एच हमारे पास है 2 + x² / 2 एज इट इज रहेगा, 2 फैक्टोरियल, एफ डबल डैश ऑफ एच, एफ डबल डैश ऑफ एच हमने निकाला है 4 है, + x³/3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एच, तो एफ ट्रिपल डैश ऑफ एच हमने निकाला है 16, राइट, ये है हमारा 16, एंड सो ऑन, राइट। अभी क्या करेंगे, अभी वैल्यू सबसे 1 + 2x प्लस ये 2 फैक्टोरियल 2 हुआ, 2 2 कैंसल, तो +2x² + x³/3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 × 2, तो 2 2 कैंसल और 8/3 x³, एंड सो ऑन। तो हमारा जो क्वेश्चन था जो हमको गिवन था, एक्सपांड 10 सीरीज π/4 + x × power of x, तो हमने ये सॉल्व कर दिया है। अभी क्या फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1044, तो 1044 अभी 1044 के लिए करते हैं, तो 1044 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 45 -1 1 डिग्री यही कर सकते हैं, तो इज इक्वल टू 10 45 मतलब π/4 माइनस ये हुआ π/180। तो हमने क्या किया, जो हमारा ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है जो हमारे पास आया, उसमें हम क्या करेंगे, ये इस इक्वेशन में π/4 + x की जगह पर हम लिखेंगे, x की जगह पर हमको लिखना है क्या, -π/180, तभी ये होगा। तो हम लिखते हैं 10 44 डिग्री इज इक्वल टू 1 1 एज इट इज प्लस x की जगह पर लिखना -π/180, तो लिखा × 2 + 2 एज इट इज, एक्स की जगह -π/180² प्लस 8/3 −π/180³ ये हुआ, प्लस डॉट डॉट डॉट, ओके एंड सो ऑन। आई होप आपको दिक्कत नहीं आई होगी यहाँ तक। अभी क्या करेंगे, अभी कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन है, 1 माइनस ये जो आंसर आएगा 2π/180 का, वो आंसर आएगा, आप कैलकुलेशन कैलकुलेटर से कर सकते हो, 0.0348 आएगा, यहाँ पर माइनस स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, तो ये इसका जो आंसर आएगा वो आएगा समवेयर अराउंड 0.0060, और इसका जो आंसर आएगा और माइनस 0.14 4 times 0 1416 यही आंसर है। तो अभी हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर से निकाल देंगे और आंसर विल गेट 0.9657, 0. ये आंसर हुआ हमारा अप्रोक्सीमेटली, राइट, ये हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर हुआ, तो 1044। अभी आपको इसको ये आंसर जो आया हमारे पास, इसको क्रॉस वेरीफाई करना है, तो आप कर सकते हैं, कैसे करोगे, कैलकुलेटर से 1044 की वैल्यू निकालो,
डायरेक्ट अगर इसके आसपास आई 0.96 के आसपास तो योर आंसर इज राइट, अदरवाइज योर आंसर इज रॉन्ग। तो हम आप क्या करोगे, यू हैव टू चेक द कैलकुलेशन दैट यू हैव डन। ओके, आपने जो किए है वो आपको चेक करनी है। तो ये क्वेश्चन था जो कि आया था GTU 2016 2013 के समर पेपर में, तो ये हमने सॉल्व कर दिया है, आप देख सकते हो। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। ओके, देख लो ये पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। एक और क्वेश्चन आया था जो कि आया था GTU 2017 पेपर में, GTU 2017 के पेपर में जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था 1043 बाय यूजिंग द टेलर सीरीज। तो इसका आंसर क्या है वो मेरे को प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट द आंसर, राइट। मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, और ट्राई करना कि आप इस तरह से कैलकुलेशन करें, डायरेक्ट कैलकुलेटर से मत निकाल देना। ओके, तो अगर आपने हमारी चैनल जो है एक्सपर्ट्स फॉर ऑल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले कि हम इससे भी अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सके। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।